हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टुडे वी शैल कंटिन्यू आवर चैप्टर, पैसेज नंबर फर्स्ट एंड पैसेज नंबर सेकंड वी हैड कंप्लीटेड. नाउ वी शैल स्टार्ट पैसेज नंबर थर्ड. क्रेंस, बट हाउ? क्रेंस बोलते हैं बट कैसे? जब टॉर्टॉइस क्रेंस को बोलता है कि तुम मुझे भी अपने साथ लेके चलो, तो क्रेंस बोलते हैं बट हाउ, कैसे? टॉर्टॉइस, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक बड़ी सी स्टिक लेके आओ, बड़ी सी लकड़ी लेके आओ. बोथ ऑफ यू होल्ड इट एट द ईदर एंड ऑफ इट विद योर बीक्स. टॉर्टोइस क्रेंस को बोलता है एक बड़ी सी लकड़ी लेके आओ, इस दोनों लकड़ी को एंड में, लास्ट में आप दोनों अपनी चोंच से इसको एंड से पकड़ोगे. आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विथ माई माउथ. मैं अपने मुँह की सहायता से उस स्टिक को, उस लकड़ी को बीच में से पकड़ूंगा. एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक, और हम झील की तरफ उड़ जाएंगे. क्रेंस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. तो क्रेंस बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट यू आर सो टॉकेटिव. बट तुम जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो. कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग. तुम उड़ते समय अपना मुंह बंद रखना, और यू विल फॉल डाउन, या फिर तुम नीचे गिर जाओगे. टॉर्टल्स, ओ आई शैल नॉट डू सच अ फूलिश थिंग. टॉर्टल्स बोलता है मैं ऐसी मूर्खता वाला कार्य नहीं करूंगा. नेक्स्ट पैसेज नंबर फोर. द क्रेंस ब्रॉट अ लॉन्ग स्टिक. जो सारस होते हैं, जो क्रेंस होते हैं, बहुत ही लंबी स्टिक लेके आते हैं. एंड हेल्ड इट विद देयर बीक्स, अपनी चोंच से उसको पकड़ते हैं. द टॉर्टोइस हेल्ड इट इन द मिडल, और जो टॉर्टोइस होता है वो उसको मिडल में से, बीच में से पकड़ता है. दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड अ विलेज. वो खेतों के ऊपर से उड़ते हैं और गांव के ऊपर से उड़ते हैं. द विलेजर्स लाफ्ड वॉचिंग सच अ स्ट्रेंज सीन एंड शाउट इट. जो गाँव वाले होते हैं वो ऐसा सीन देख के, ऐसा अजनबी, ऐसा स्ट्रेंज सीन देख के हंसते हैं और चिल्लाते हैं. विलेजर्स बोलते हैं लुक एट दैट, दैट फूलिश टॉर्टोइस विल सर्टेनली फॉल डाउन. विलेजर्स बोलते हैं उसकी तरफ देखो, वो जो फूलिश टॉर्टोइस है, वो जो मूर्ख कछुआ है, निश्चित रूप से नीचे गिरेगा. टॉर्टोइस ओपनिंग माउथ, मुंह खोलते हुए, यू आर स्टूपिड पीपल, तुम लोग बहुत ही मूर्ख लोग हैं. द टॉर्टोइस फेल डाउन एंड डाइड. जैसे ही टॉर्टोइस ने अपना मुंह खोला, वो नीचे गिर गया और मर गया. वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर. नाउ वी शैल डू क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द क्रेंस एंड द टॉर्टोइस वर वरीड अबाउट. जो क्रेंस और टॉर्टोइस थे, किसके बारे में वरीड थे? ड्राइंग पॉन्ड. हु स्पॉक टू मच, सबसे ज्यादा कौन बोलता था? टॉर्टोइस. सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट, द टॉर्टोइस हेल्प द क्रेंस फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि टॉर्टोइस ने क्रेंस की हेल्प नहीं की थी, क्रेंस ने टॉर्टोइस की हेल्प की थी. द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन. बारिश नहीं होने की वजह से पॉन्ड सूखने लग गया था. ट्रू. द टॉर्टोइस हेल्प द स्टिक एट द वन एंड. टॉर्टोइस ने जो लकड़ी थी उसको किनारे पर से पकड़ा था. फॉल्स, उसने बीच में से पकड़ा था. पीपल इन द विलेज वर फूलिश, गांव में रहने वाले लोग फूलिश थे. फॉल्स. द टॉर्टोइस केप्ट इट्स माउथ शट एंड रिस्क्ड द बिग लेक. टॉर्टोइस ने अपना मुंह बंद रखा और बड़ी सी झील पे पहुंच गया. फॉल्स, क्योंकि उसने बीच में ही मुंह खोल दिया था. वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग. हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए. ट्रू. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड द टॉर्टोइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक. टॉर्टोइस को पॉन्ड से लेक की तरफ ले जाने में किसने हेल्प की थी? द टू क्रेंस हेल्प्ड द टॉर्टोइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक. किसने हेल्प की थी बेटा? टू क्रेंस, दोनों सारस ने उसकी हेल्प की थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई हैव एन आइडिया. हु सेड दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है, किसने कहा और वो आइडिया क्या था? द टॉर्टोइस सेड सो. टॉर्टोइस ने ऐसा कहा था. द आइडिया वाज दैट
The two cranes would hold the ends of a long stick with their beaks, and the tortoise would hold it in the middle with his mouth. Thus they would fly to the lake. ये विचार, ये उपाय किसने दिया था? टॉर्टोइस ने दिया था. और क्या दिया था कि दोनों क्रेंस को ये बोला कि आप दोनों एक लंबी सी बड़ी स्टिक लेके आइए और दोनों को, आप दोनों उस स्टिक को किनारे से पकड़ लेंगे और मैं उस स्टिक को बीच में से पकड़ लूँगा और हम लेक की तरफ उड़ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, व्हाई? पॉन्ड सूखना क्यों शुरू हुआ था? आंसर, सिंस देयर वॉज नो रेन द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई. बारिश नहीं होने की वजह से पॉन्ड सूखना शुरू हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द क्रेंस एडवाइज द टॉर्टॉइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक? जब क्रेंस उड़ना शुरू करते हैं तो टॉर्टॉइस को क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं? दे एडवाइज्ड हिम टू कीप हिज माउथ शट व्हाइल फ्लाइंग एल्स ही वुड फॉल डाउन. क्रेंस ने टॉर्टॉइस को ये एडवाइस किया कि जब हम उड़ें तब अपना मुंह बंद रखना वरना तुम नीचे गिर जाओगे. क्वेश्चन नंबर 5, शुड वी टॉक टू मच? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? क्या हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. बिकॉज इट कुड बी हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. ओके बेटा, वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर. यू हैव टू डू एक्टिविटी फर्स्ट ए बी सी इन योर नोटबुक. ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको अपने बुक में, नोटबुक में करनी है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.